दोस्तों, हमारे भारत में कई ऐसे जगह हैं जिनकी बेमिसाल खूबसूरती पूरी दुनिया से सैलानियों को खींच लाती है, लेकिन इनमें से एक सबसे अलग प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी तुलना की जा सकती है सिर्फ जन्नत से। पूरा लक्षद्वीप और कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे शानदार द्वीपों का समूह है जो एक दूसरे के पास स्थित है। सुनहरे समुद्र तट, नारियल के घने जंगल और बहुत कुछ है। तो आइए दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में आज कुछ दिलचस्प जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों से मिलकर बना भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन द्वीपों में से केवल 8 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, जो भारतीय उपमहाद्वीपों में से सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। लक्षद्वीप की कई बातें अनूठी है। खान पान से लेकर रहन सहन और संस्कृति के मामले में कई मायनों में भारत के दूसरे राज्यों से यह अलग है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए और वहां के तमाम खूबसूरत तस्वीरों को भी साझा किया और भारतीय पर्यटकों से अपील भी किए कि वो भी लक्षद्वीप घूमने के लिए आए। बस मोदी जी की इतनी सी बात पर मालदीव के नेता बुरी तरह से नाराज हो गए। तो फिर क्या था दोस्तों, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच हो गया विवाद। 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 के आसपास है और यहाँ 96% आबादी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। लक्षद्वीप कुल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम लोग मालदीव से लक्षद्वीप की तुलना करें तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मालदीव से करीब 10 गुना कम है। लक्षद्वीप में भले ही 32 आइलैंड हैं, लेकिन सिर्फ 8 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में कई ऐसे द्वीप हैं जहां की जनसंख्या 100 से भी कम है। लक्षद्वीप में मुख्य तौर पर मलयालम बोली जाती है और वहीं कुछ लोग महल भाषा भी बोलते हैं। महल भाषा वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। दोस्तों, लक्षद्वीप के लोगों की आय का मुख्य जरिया मुख्यतः समुद्री साधनों पर टिका है। यहाँ के लोग टूरिज्म से लेकर मछली पकड़ने से लेकर नारियल की खेती जैसे काम करते हैं। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। यह सामरिक नजरिए से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए नौसेना का बेस भी यहाँ है। लक्षद्वीप से जुड़ी और कई चीजें इसे खास बनाती है, जैसे कि यहाँ मछलियों की 600 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है और 78 से भी ज्यादा प्रजातियां कोरल में मिलते हैं। सन 1956 में नाम बदले जाने से पहले इसे लक्का द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप ऐसा आइलैंड है जहाँ सांप और कुत्ते जैसे जानवर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी अपने साथ कुत्ता ले आने की इजाजत नहीं है। लक्षद्वीप में बहुत ही अधिक संख्या में बिल्लियां और चूहे पाए जाते हैं। और क्या आपको पता है, लक्षद्वीप को रेबीज फ्री स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। बटरफ्लाई फिश यहां का राज्य पशु है। यहां कम से कम 70 प्रजाति की बटरफ्लाई फिश पाई जाती है। इसी तरह से सूटी टर्न इस राज्य का राजकीय पक्षी है और ब्रेड फ्रूट राजकीय पेड़। लक्षद्वीप को एक और बात खास बनाती है, यहाँ समुद्री गाय पाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, जो एक लुप्त प्राय जीव है। दोस्तों, क्या आप कभी लक्षद्वीप घूमने गए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।